ये साला बुड्ढा क्या कर रहा है? ये बुड्ढा साला हमेशा अश्लील वीडियो देखता रहता है। हे बुड्ढे, भौसड़ी के इधर आ। जी साहब, आ रहा हूँ। जी साहब बोलिए। ये बाइक ले और उधर जाके खड़ी करके आ। अबे साली ये क्या कर दिया? माफ कर दो। अबे ये क्या कह तूने? काम करने आते हो कि काम बिगाड़ने आते हो? मारो साले को। सड़ी के इसको तो मैं गाड़ फाड़ दूंगा। ए सिंदर सेठ, ये कोई तरीका क्या? ऐसा कोई मारता क्या? तो कैसे मारते हैं? तेरी बहन की लग गई हुए। ये क्या कर रहा है बे? बाइक की हालत देख। अबे गाड़ देखे भी तो इसके रिपेयरिंग का खर्चा ना उठा पाएगा। ओ सिंध सेठ, पैसे की अकड़ मत दिखा, बोल मत। जिस जमीन पे तू खड़ा है ना, वो जमीन कभी हमारी थी। अबे रोकड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जा, सबको पता है गाड़ देके खरीदी है। अबे सबको पता है तू क्या क्या करता है। चल। क्या मिला आपको जमीन बेचकर? वो भोसड़ी के सिंधे गाड़ मरा के अमीर हो गया, और जिसने गाड़ मारी वो गरीब हो गया, और उसी के घर नौकरी कर रहे हैं। जिसकी औकात नौकर बनने के नहीं थे वो मालिक बना बैठा है। उस भोसड़ी वाले सिंधु को देखकर ना मेरी झाटे जल जाती है। पूरा गांव वाले बोलते हैं दद्दा पहलवान एक नंबर की गांडी है, गांड के चक्कर में पूरा प्रॉपर्टी लुटा दी और अब खुद गांड मराते फिर रहे हैं। क्यों निकल गई सारी गरी? राहुल, जवान बहुत चलती है तेरी, थोड़ा गांड हाथ पैर भी चलाएगा ना तो घर संभल जाएगा। जिसने पैसा लुटाया है ना वही कमाएगा। अर्थ क्या गांड मराएगा, गाली देगा और मुफ्त की रोटी तोड़ेगा? ए राहुल, कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं। बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नहीं रे। अब तू मुझसे भी झूठ बोलेगा? वो मुझे निकम्मा समझते हैं, उन्हें लगता मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे गुस्से में बोल दिए होंगे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मुझे बुरा नहीं लगा, बाप है बोलेगा ही, लेकिन अब मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अकेला मत छोड़ना। तो मेरी जान है रे, तुझे कैसे छोड़ूंगा। चल।
किसी ने कुछ देखा? किसी ने कुछ भी नहीं देखा। वीडियो बना ली, पोस्ट भी कर दी, लेकिन देखा किसी ने कुछ भी नहीं। इस लड़की की जगह अगर आपके घर का कोई होता, परिवार का कोई होता, तो भी वीडियो बनाते, पोस्ट करते? सर मानी चाहिए तुम लोगों को। किसका डर है, दहशत किसकी है? कोई जवाब नहीं। साहब ये भोसड़ी वाले कुछ ना बोलेंगे। मैं ही आपको बताता हूँ, यहाँ के प्रधान के लौंडा है जिसने मुझे मारा है। और सर मुझे बहुत बेरहमी से मारा है, उठा उठा के मारा, पटक पटक के मारा, वो इतना बड़ा घुसा दिया। क्या चाकू? और सर वो मेरी नहीं, पता नहीं कितने लोगों को जान ले चुका है। अब उस भोसड़ी वाले को सजा देना आपका काम है, और अगर आपने कुछ ना किया ना तो आपके गांड में घुसकर फट जाऊंगा। समझ गए ना? समझ गया भाई। सर आप आज्ञा दे दो, मैं मर जाऊं। मर जाओ। कहाँ है वो गुंडे? सर वो वहां रहते हैं। दी है दुनिया, गंदी इरादों से।